आप सुन रहे हैं किताब तारीख़ इब्ने खलदून, बाब नंबर 15, अमारत बनी हसमनाई, सब हेडिंग यहूज बिन मतातिया और नीका नूर की जंग। इस असना में मतातिया का इंतकाल हो गया। यहूजा बिन मतातिया हुक्मरान हुआ। उसने भी फल यकूस को दोबारा शिकस्त दी। अलजी खूश उन दिनों अहले फारस से लड़ाई में मसरूफ़ था। उसने इस शिकस्त का हाल सुनकर अपने लड़के अलफजर को अपना कायम मुकाम करके उसकी कुमक पर अपनी ही कौम के एक सिपा सालार लेशाविश नामी को मामूर किया और उन्हें यहूदियों पर फौज कुशी का हुक्म दिया। उन लोगों ने 3 नामी जर्नैलों निकानूर, तिलमियाज, सरदोस को यहूदियों की सरकोबी के लिए रवाना किया और उनसे यहूदियों की पामाली और कत्लो गारत का इकरार ले लिया। इतराफ़ दमिश्क को हलब के तमाम अर्मनी और दुश्मनान यहूद फ़लस्तीन वगैरह से इस लश्कर के हमराह हो गए। यहूजा इब्ने मतातिया सरदार यहूद ने पहले अल्लाह ताला से अपनी नुसरत व फतह की दुआ मांगी और बैतुल मुकद्दस का तवाफ़ किया और तबरकन उस पर हाथ फेरे। इसके बाद मुकाबले पर आया। पहले निकानूर के लश्कर से मुकाबला हुआ और पहले ही हमला में उसे शिकस्त दी। इसके बाद लश्करियों को कत्ल किया, उसका मालो सबाब लूट लिया। सब हेडिंग बनी इसराइल की फतह। फिर सिपा सालारा ने लश्कर तिलमियाज और सरदूस से लड़ा और उन्हें भी शिकस्त देकर पीछे हटा दिया और अलजी खूश के अव्वल सिपा सालार फल यकूस को गिरफ्तार करके आग में जला दिया। निकानूर लड़ाई के मैदान से भागकर मकदूनिया पहुंचा और लिशाविश अफजर को इससे आगाह किया। इसके बाद शाह फारस से अलजी खूश के शिकस्त पाने की खबर आई। इसके बाद ही वो खुद भी मकदूनिया आ पहुंचा और यहूदियों की कामयाबी से बरहम होकर एक जरारे लश्कर मुरतब करके बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुआ। असनाए राह में आर्जा ताउन में मुब्तला होकर मर गया और वहीं दफन कर दिया गया। इसके मरने के बाद अफजर तख्त नशीन हुआ और उसका नाम उसके बाप अलजी खूश के नाम से मौसूम हुआ। सब हेडिंग बैतुल मुकद्दस की तत्हीर। यहूजा इब्ने मतातिया इन लड़ाइयों से फारिग होकर कदस शरीफ वापस हुआ और अलजी खूश की बनवाई हुई कुर्बान गाहें और बुत तुड़वा डाले। मस्जिद को बुतों की नजासत से पाक किया और एक दूसरा नया मजबा कुर्बानी के लिए बनवाया और उसमें लकड़ियां जमा करके ये दुआ की कि अल्लाह ताला अपनी निशानी दिखलाने की गर्ज से इसे बगैर आग के मुश्तइल कर दे। चुनाचे वो लकड़ियां बगैर आग के जलने लगीं। ये आग बराबर जमाना वीरानी सानी तक मुश्तइल रही। सब हेडिंग ईद अल असाकिर। इस दिन को यहूदियों ने ईद का दिन करार दिया और इसे ईद अल असाकिर के नाम से मौसूम किया। इसके बाद अलफजर ने दोबारा अपने बाप की तमन्ना पूरी करने के लिए लिशाविश को यहूदियों से जंग करने के लिए रवाना किया। यहूजा इब्ने मतातिया ने उसे शिकस्त देकर पसपा कर दिया। लिशाविश भागकर एक किले में छुप गया। यहूजा इब्ने मतातिया ने पहुंचकर मुहासरा कर लिया। बिलाखे लिशाविश ने दबकर इस अमर पर मसालेहत कर ली कि आइंदा लिशाविश इब्ने मतातिया से लड़ने के लिए ना आएगा। इस मुआहदे में हसब ख्वाहिश यहूजा अफजर भी शामिल किया गया। लिशाविश महासरा से निजात पाकर अपने मुल्क वापस हुआ और यहूजा इब्ने मतातिया अपनी कौम की इस्लाम में मसरूफ़ हुआ। सब हेडिंग रूमियों का इब्तदाई दौर। इब्ने करियोन कहता है कि कतीम रूम की हकूमत का ये इब्तदाई ज़माना था। यह रूमिया में रहते थे। उनके तमाम अमूर 323 रईसियों के शूरा पर मुनहसर थे। इनमें से एक रईस सदर नशीन होता था। उसे वो शेख के लकब से मौसूम करते थे। वो उनके तमाम काम अंजाम देता था जो गैर कौमें उन पर चढ़ आती थीं, उसी की राय से उनका मुकाबला करते थे। इस पर उन्हें बहुत बड़ा इत्मीनान था। इस वक्त तो उनकी यही हालत थी। इससे पहले वो यूनानियों पर गालिब आ चुके थे, उनके मुल्क पर काबिज हो गए थे और दरिया अबूर करके अफ्रीका तक अपने कब्जा में कर लिया था। सब हेडिंग अलजी खूश अफजर की यहूजा इब्ने मतातिया पर फौज कुशी।
غرض کے یہ متفق ہو کر عزیو خوش افسر اور اس کے چچا زاد لشاوش یادگار شاہان یونان پر حملہ کرنے کی غرض سے انطاکیہ کی طرف بڑھے اور یہوذا بادشاہ بیت المقدس کو عزیو خوش اور یونانیوں کی اطاعت سے علیحدہ ہونے کے لیے لکھا۔ یہوذا نے ان کے لکھنے پر عمل کیا۔ جب اس کی اطلاع عزیو خوش افسر کو ہوئی تو یہوذا بن متاتیہ کی عہد شکنی اور نئی سازش سے سخت برہم ہو کر فوج کشی کر دی۔ سب ہیڈنگ یہوذا بن متاتیہ اور عزیو خوش میں مصالحت۔ یہوذا بن متاتیہ نے نہایت ہوشیاری سے اس کا مقابلہ کیا۔ شکست پانے کے بعد عزیو خوش نے صلح کا پیغام بھیجا۔ شرائط صلح یہ قرار پائے کہ یہوذا بن متاتیہ اپنے عہد قدیم پر قائم رہے اور عزیو خوش جو کچھ سالانہ بیت المقدس کو بطور نذرانہ دیتا تھا دیتا رہے، اور فتنہ پرداز جو لڑائی کے باعث ہوتے ہیں انہیں قتل کر ڈالے۔ چنانچہ شملاوش کو قتل کر ڈالا اور عہد و اقرار اثرینو قائم ہوا۔ سب ہیڈنگ دمتر یاس کا انطاکیہ پر حملہ۔ اس کے بعد اہل روما نے اپنے سپہ سالار دمتر یاس بن سلیاکوس کو ایک جرار فوج کے ہمراہ انطاکیہ کی طرف روانہ کیا۔ عزیو خوش افسر نے ان کا مقابلہ کیا مگر اس کی جی توڑ کوششوں نے اسے کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ یہ اور اس کا چچا زاد بھائی لشاوش لڑائی کے میدان میں مارے گئے۔ روم کامیابی کے ساتھ انطاکیہ میں داخل ہو گئے۔ سب ہیڈنگ یہوذا اور نیکانور۔ کیموس کاہن یہودی فتنہ پردازوں میں سے تھا جو عزیو خوش کے پاس رہتا تھا۔ اس نے دمتر یاس سپہ سالار روم کو کامیابی کے بعد بیت المقدس کے مال و اسباب کی ترغیب دلائی اور اس پر قبضہ حاصل کرنے کی تحریک کی۔ اس نے نیکانور کو اس کام کی انجام دہی کی غرض سے روانہ کیا۔ یہوذا بن متاتیہ بادشاہ بیت المقدس نہایت تپاک کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے آیا اور ہدایا و تحائف اندازے سے زیادہ پیش کیے۔ نیکانور یہوذا کی ان پسندیدہ کاروائیوں سے بہت خوش ہوا۔ دونوں نے مراسم اتحاد قائم رکھنے کی قسمیں کھائیں۔ کیموس کاہن نے نیکانور کے پہنچنے سے پہلے دمتر یاس کو نیکانور اور یہوذا کی باہمی سازش کی اطلاع دے دی اور بیت المقدس پر قبضہ حاصل کرنے کی زیادہ ترغیب دی۔ سب ہیڈنگ نیکانور کی شکست و قتل۔ دمتر یاس نے اپنے سپہ سالار کو ملامتانہ خط لکھا اور اپنے حکم کی بجا آوری کی سخت تاکید کی، اور یہ بھی تحریر کیا کہ وہ یہوذا کو گرفتار کر لائے۔ یہوذا کو اس کے جاسوسوں نے اس واقعہ سے مطلع کر دیا۔ وہ بیت المقدس کو چھوڑ کر سامرا سپت ستیا چلا گیا۔ نیکانور نے اس کا تعاقب کیا۔ یہوذا نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ نیکانور کو شکست ہوئی۔ یہوذا نے لشکر روم کے اکثر حصے کو قتل کر ڈالا اور نیکانور کو گرفتار کر کے بیت المقدس میں ہیکل پر سولی دے دی۔ یہودیوں نے اس دن کو بھی روز عید مقرر کیا۔ سب ہیڈنگ یہوذا کا خاتمہ۔ اس کے بعد دمتر یا سپہ سالار روم نے ایک دوسرے ہوشیار و ماہر افسر یفروس نامی کو 30,000 فوج کے ساتھ یہودیوں سے لڑنے کو بھیجا۔ یہوذا کا لشکر لڑائی کے میدان سے اپنے بادشاہ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور مختلف گھاٹیوں میں جا چھپا۔ یہوذا مادودے چند آدمیوں کے ساتھ لڑتا ہوا بھاگا۔ یفروس نے تعاقب کیا۔ اثناء جنگ میں یہوذا مارا گیا اور اپنے باپ متاتیہ کے قریب دفن کیا گیا۔ سب ہیڈنگ یوناسال اور یاتروس کی جنگ۔ اس کا بھائی یوناسال بقیہ یہودیوں کو لے کر مضافات اردن کی طرف چلا گیا۔ یاتروس نے اس کا مقام برسی میں پہنچ کر محاصرہ کیا۔ ایک مدت تک کسی قتل و قتال کے بغیر یوناسال کو محاصرہ میں رکھا۔ یوناسال ایک آخری کوشش یا اپنی قسمت کا آخری فیصلہ کرنے کو یہودیوں کو لے کر برسی سے نکلا۔ لڑائی ہوئی، بالآخر یاتروس کو شکست فاش دے کر گرفتار کر لیا، اور اس شرط پر کہ یاتروس آئندہ یہودیوں سے لڑنے کے لیے نہ آئے گا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہی یوناسال مر گیا اور یہودیوں پر اس کا تیسرا بھائی شامون حکومت کرنے لگا۔ سب ہیڈنگ شامون اور دمتر یاس کی جنگ۔ شامون کے حسن انتظام اور خوبی سلوک سے اطراف و جوانب کے یہود جمع ہو گئے، جس سے اس موجودہ فوج کی قوت اس درجہ بڑھ گئی
कि उसने अपने तमाम दुश्मनों पर हमला कर दिया। जिस शख्स ने उस पर हमला किया उसे पसपा किया। दमतर यास सिपा सालार भी इंताकिया में उसके मुकाबले पर आया। उसने दमतर यास को शिकस्त दी और फौज रोम की एक कसीर तादाद को मार डाला। इसके बाद रोम ने लड़ाई का फिर हौसला ना किया। ताकि शमून पर तिल मिलाई शोखराक, शमून ने तफतन हमला कर दिया और उसे कत्ल करके उसके लड़के औरतों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन शमून का बड़ा लड़का कानूस बिन शमून गजा की तरफ भाग गया। उसका असली नाम युहान था। ये नहायत शुजा था। उसने इससे पहले किसी लड़ाई में एक शुजा हरकानूस नामी को मार डाला था। इस वजह से उसके बाप ने मकतूल के नाम से उसे मासूम किया। इतराफ़ो जवानी के यहूदियों ने उसकी अतात कबूल कर ली और उसके हमरा बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए। सब हेडिंग महासरा किला अखून। तिलमिलाई भागकर किला अखून में छुपा। हरकानूस ने उसका मुहासरा कर लिया। एक रोज़ तिलमिलाई शहर पनाह की फसील पर फिर रहा था। इत्तफाक से हरकानूस की बहन और माँ को तनहा पाकर गिरफ्तार करके ले गया और उनके कत्ल की धमकी हरकानूस को दी। हरकानूस इस वजह से और नेज ईद मजाल के आ जाने से लड़ाई मकूफ करके बैतुल मुकद्दस वापस आया। तिलमाई हरकानूस की बहन और माल को कत्ल करके किला अखून से भाग गया। दमतर यास और हरकानूस में मसालेहत। इब्न क़य्यून कहता है कि इसके बाद दमतर यास सिपा सालार रोम ने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया और यहूदियों का मुहासरा कर लिया। यहूदियों ने ईद का ज़माना गुजर जाने तक जंग की मोहलत चाही। दमतर यास ने इस शर्त से मोहलत दी कि कुर्बानी में से इसे भी कुछ दिया जाए। इसके बाद उसके दिल में खुदा जाने क्या ख्याल आया कि जिससे दमतर यास ने बैतुल मुकद्दस के लिए तस्वीरें भेजीं और ये यहूदियों को सुलह की दरख्वास्त पेश करने का अच्छा मौका हाथ आ गया। दमतर यास ने यहूदियों की दरख्वास्त सुलह को कबूलियत का खिलत अता किया। हरकानूस उससे मिलने के लिए गया। 3 सोने के हुक्के दमतर यास को हदियतन दिए। दमतर यास बैतुल मुकद्दस से वापस आकर अपने दारुल हुकूमत की दुरुस्ती और इंतज़ाम में मसरूफ़ हो गया। इसी असना में फारस और रोम में जंग हो गई। दमतर यास तमाम कामों को छोड़कर लश्कर रोम लेकर मौका जंग पर पहुंच गया और हरकानूस ईद की वजह से जंग पर ना जा सका। सब हेडिंग हरकानूस का अहले रोमा पर हमला। यहां तक कि हरकानूस को दमतर यास की शिकस्त की खबर मालूम हुई। हरकानूस ने मौका मुनासिब पाकर अपने दुश्मनाने अहले शाम पर हमला कर दिया। नाबलिस और कलाते अरूम को जो कोशरात में थे फतह करके उन पर जिजिया कायम किया और उनके खतने करा दिए। उन्हें अहकाम तौरात की पाबंदी पर मजबूर किया और इस हैकल को जिसे सुम्बुलात सामरी ने इस्कंदरिया की इजाज़त से बनाया था वीरान कर दिया और अपने सरहदी बादशाहों को बजोरो जबर अपना मती कर लिया। सब हेडिंग हरकानूस की सरदार नारोमा से मसालेहत। इसके बाद रऊसा दायान यहूद को रोमा के मुंतजमीन और अराकीन दौलत के पास तजदीद अहद की गर्ज से रवाना किया और तमाम चीज़ों को वापस मांगा जिन्हें अलजियूख और यूनान बैतुल मुकद्दस से उठा ले गए थे। रोमा के सरदारों ने हरकानूस के इस फरमान की तामील की और ख़ुशी से अहद की तजदीद की और उसको मुल्क अल यहूद बादशाह यहूद के मुबारक लकब से मुखातिब किया। सब हेडिंग बनी हसमनाई का पहला बादशाह। इससे पहले कि इसके अबाव अजदाद काहिन के लकब से पुकारे जाते थे उसने अपने आप को बादशाह के लकब से मुलकब किया और ओहदा कहूनत को शाही इख्तियारात में शामिल कर लिया। ये मलूक बिन हसमनाई का पहला बादशाह है। सब हेडिंग सामरा की तस्कीर। अलकिसा हरकानूस अरूम के किलों पर कब्ज़ा हासिल करके शहर सामरा सप्त सतिया की तरफ चला गया और उसे बजोर तेग फतह करके उसकी शहर पनाह को वीरान और उसके रहने वालों को कत्ल कर डाला। सब हेडिंग इसराइल के फिरके। इब्न क़य्यून कहता है कि यहूदियों में उन दिनों 3 फिरके थे। एक फिरका फिखा और एक अहले क्यास का था जिन्हें वो फरुशीम रबानीन कहते थे। दूसरा फिकरा ज़ाहिरिया जो कि ज़ाहरी अल्फाज किताब पर अमल करते थे और उनको वो सदूकिया करा से ताबीर करते थे।
और तीसरा फ़िरका इबाद का था, जो दुनियावी ताल्लुकात क़त करके इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते थे और ये जे सदीद कहलाते थे। हर कानूस के अबाव अजदाद फ़िरका रबानीन में से थे, लेकिन उसने बजात अपना मज़हब तर्क करके करा का मज़हब इख्तियार कर लिया था। सब हेडिंग हर कानूस की फ़रका रबानीन से बरहमी। तब्दीली की वजह यह है कि उसने एक दिन यहूद को एक जलसा ख़ास में जमा किया और यहूद से मुखातिब होकर बोला, मैं तुमसे नसीहत का ख्वास्तगार हूँ। रब्बानीयीन को ये ख्याल पैदा हुआ कि शायद वह हुकूमत और सल्तनत से दस्तकशी करना चाहता है। इस वजह से उनमें से बाज़ बोल उठे कि तुम्हारे लिए यही नसीहत है कि तुम अपने को दर्जा कहूनत से अलहदा करके सिर्फ हुकूमत के रुतबा पर इक्तफा करो, क्योंकि कहूनत की शरूत तुम में नहीं पाई जाती। तुम्हारी माँ ज़माना अलजियो खोश से कैदियों लोंडियों में से थी। हर कानूस ने बरहम होकर कहा, तुम लोग अपने हाकिम और वाली पर हकूमत क्या चाहते हो? मैं आज से इस मज़हब को छोड़ता हूँ। हर कानूस ने यह कहकर मज़हब करा इख्तियार कर लिया और फिरका रब्बानीयीन में से एक बड़े ग्रोह को कत्ल कर डाला। इसी वजह से यहूद के इन दोनों फ़िरकों में झगड़ा पैदा हो गया और एक ज़माना दराज तक दोनों में बराबर लड़ाई होती रही। सब हेडिंग अस्तबलूस बिन हरकानूस। हरकानूस अपनी हकूमत और सल्तनत के 31 बरस पूरे करके मर गया। इसके बाद उसका बड़ा लड़का अरतबलूस तख्ते हकूमत पर बैठा। हरकानूस के इसके अलावा दो लड़के और थे। एक का नाम अंतिकिनियूस था, जिसे हरकानूस प्यार करता था, और दूसरे को सिकंदर कहते थे। हरकानूस ने नाराज़ होकर उसे जेल अलखील की तरफ जलावतन कर दिया था। जब अरस्तबलूस ने हकूमत के जीना पर कदम रखा तो उसने अपने भाइयों को अपने बाप का मज़हब इख्तियार करने पर मजबूर किया। सिकंदर और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया। अलतनक्यूस ने माफ़ी चाही और अरस्तबलूस से उसे अपने लश्कर का अफसर आला मुकर्रर करके लड़ाइयों में उसी के जाने पर इक्तफा किया और ताज कहूनत उतार कर शाही ताज पहन लिया। इसके बाद अंतकनूस ने इन लोगों पर फौजकुशी की जो सरहदी मकामात पर रहते थे और अरतबलूस की फरमाबरदारी से निकल गए थे। चुनाचे इन सब को बज़ोर तेग अतात और फरमाबरदारी के दायरा में खींच लिया। सब हेडिंग अंतकनूस बिन हरकानूस के खिलाफ साजिश। इसी असना में चंद फितना परताज़ों ने उसके भाई अरतबलूस से उसकी शिकायत की और उसके कानों को अंतकनूस की शिकायतों से भर दिया। जब अंतकनूस लड़ाई से वापस आया तो इत्तफाक़ से वह ज़माना ईद मजाल का था और उसका भाई बीमारी की वजह से घर से बाहर ना आता था। अंतकनूस शाही महल में जाने से किनारा करके सवाब की घर से हैकल में चला गया। फितना परताज़ों ने अरतबलूस से ये जड़ दिया कि अंतकनूस हैकल में कहूनत का दर्जा हासिल करने गया है और वह तुम्हारे कत्ल की फ़िक्र में है, और उसका सबूत यह है कि वह तुम्हारे पास मुसल्ला आएगा। अरतबलूस ने यह सुनते ही अपने जान इसारों और मुलाजमी ने कसर से यह ताकीद कर दी कि अगर अंतकनूस मुसल्ला आए तो फौरन बिला इजाज़त और इतला उसकी गर्दन बार सर से सुबकदोश कर देना। चुनाचे ऐसा ही वाकया हुआ और फितना परदाज़ों को अपनी कोशिश में कामयाबी हुई। सब हेडिंग अरतबलूस की पशेमानी और इंतकाल। कुछ अरसा बाद अरतबलूस को फितना परताज़ों की साजिश और फरेब से आगाही हुई। वो अपने किए पर पशेमान हुआ और फरते गम से इस दर्जा अपना सीना पीटा कि उसे कज़फ अलदम का आर्जा हो गया और इसी आर्जा में एक बरस बाद मर गया। सब हेडिंग सिकंदर बिन हरकानूस। यहूदियों ने उसके भाई सिकंदर को कैद से निकाला, उसकी बैत की और हुकूमत की कुर्सी पर बिठाया। इसके बाद उसे अका और सैदा वालों ने बदहदी की। अहले गज़ा कब्रस की तरफ बढ़े। सिकंदर ने अका पर पहुंचकर उसका मुहासरा कर लिया। इस अरसे में मलका क्लोपेत्रा, यादगार मलूक यूनान और उसके लड़के तेरा ओ
और उसके लड़के तैरो में मुखालफत हो गई। तैरो जजीरा कब्रस की तैरो जजीरा कब्रस की तरफ चला गया और उस पर कब्ज़ा हासिल कर लिया। अहले अका ने कहला भेजा कि इस पर कब्ज़ा ले लेंगे अगर सिकंदर के मुहासरा से निजात हासिल हो गई। चुनाचा तैरो लौट कर सिकंदर के ममालिक की तरफ बढ़ा और जबलुल खलील पर उतर कर एक गरोह कसीर को कत्ल किया। फिर वहाँ से कूच करके उर्दन पर अमला आवर हो गया फिर वहाँ से कूच करके उर्दन पर हमला आवर हुआ। सब हेडिंग सरहदी उमरा की अतात। इन वाक्यात के दौरान में सिकंदर ने सैदा पर हमला कर दिया और उसे बजोरे तेग फतह करके कदस शरीफ की तरफ वापस आया। सरहदी उमरा ने उसकी अतात कबूल कर ली। उससे बगावत करने वालों का मिजाज दुरुस्त हो गया। सब हेडिंग रब्बानीयीन की शोरश व सरकोबी। इसके बाद यहूद में फिर असरनो फितना इस तरह पर इसके बाद यहूद में फिर असरनो फितना इस तरह पर बरपा हो गया कि ईद मजाल में तमाम यहूदी मस्जिद में जमा होकर खा पी रहे थे और सिकंदर भी उनमें मौजूद था। कुछ लोग इससे किसी कदर फासला पर तीर अंदाजी कर रहे थे। इत्तफाक से रबानियों में से एक का तीर सिकंदर के करीब आकर अरबानीयीन और कुरा में बहस होते हुए झगड़ा होने लगा और ये झगड़ा इस कदर बढ़ा कि 6 बरस तक फितना व फसाद ख़त्म ना हुआ। इन फितना व फसाद में तकरीबन 50,000 रबानीयीन मारे गए और सिकंदर करा का मुईन व मददगार हुआ। सब हेडिंग दमतर यास और सिकंदर की जंग। रब्बानीयीन ने दमतर यास मारूफ बा अलजियो खोश के पास वफ्द डेप्यूटेशन रवाना किया और उसे मालो असबाब देने का वादा किया। दमतर यास उनके कहने में आ गया और एक लश्कर जरार लेकर नाबलस की तरफ बढ़ा। सिकंदर ने उसका मुकाबला किया और दमतर यास को शिकस्त देकर उसके बेशुमार लश्करियों को मार डाला। फिर वापस होकर रब्बानियों की तरफ आया और उन पर भी फतह हासिल की। तकरीबन 300 रब्बानीयीन को गिरफ्तार करके कत्ल कर डाला। सब हेडिंग दमतर यास का कत्ल। इसके बाद दमतर यास के ताकों में रवाना हुआ और उनके अक्सर बिलाद मकबूजा को फतह कर लिया। दमतर यास ये सुनकर एक आखिरी कोशिश और अपनी किस्मत आजमाई की गर्ज से लड़ाई के मैदान में आया लेकिन उसकी ताज़ा कोशिशों ने उसे भी कुछ फ़ायदा ना पहुंचाया। बिलाखिर शिकस्त खाकर भागा। सिकंदर ने उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर डाला। मुहारबा रब्बानीयीन और दमतर यास के 3 बरस बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ लौटा। सब हेडिंग सिकंदर की वफात। इन कामयाबियों से उसका रोबो दाब बढ़ गया और उसे एक कुव्वत हासिल हो गई। इसके बाद वो बीमार हो गया और 3 बरस तक बीमार रहा। बीमारी के दौरान उसे बास किलों के महासरा की ज़रूरत पेश आई इस वजह से कि उन किलों के हुकाम ने उस पर सरताबी शुरू कर दी। लेकिन इत्तफाक़े ज़माना से सिकंदर को उसकी मौत ने इन किलों के फतह करने की मोहलत ना दी। दौरान मुहासरा वो मर गया और मरते वक्त अपनी बीवी को ये वसीयत कर गया कि ताज़मान फतह मौत का हाल छुपाया जाए और लाश बैतुल मुकद्दस ले जाकर दफन की जाए। सब हेडिंग हरकानूसो अरतबलूस पिसरान सिकंदर। सिकंदर के मरने के बाद रब्बानियों ने आम तौर से उसके लड़के तरफ में लाने खातिर जाहिर किया और जिन्होंने इब्तदान इख्तलाफ किया उन्हें एक जलसा ख़ास में जमा करके अपनी राय से मुत्तफिक कर लिया। सिकंदर के 2 लड़के थे। बड़े का नाम हरकानूस था और छोटे को अरतबलूस कहते थे। ये दोनों सिकंदर के मरने के वक्त छोटे छोटे थे। जब ये बड़े हुए तो हरकानूस के हुनत के लिए मुंतखब किया गया और अरतबलूस को लश्कर की सिपा सालारी दी गई। लड़ाई का इंतज़ाम सपुर्द किया गया। सब हेडिंग हरकानूस और अरतबलूस में इख्तलाफ व मसालेहत। रब्बानियों ने उसका साथ दिया। उसने अजीम शान बादशाहों से खिराज लिया और उनको मती किया। इस असना में रब्बानियों और करा में फिर किसी कदर झगड़ा पैदा हो गया। ये फितना ख़त्म करने की गर्ज से अरतबलूस की माँ बैतुल मुकद्दस से रवाना हुई लेकिन उसकी मौत ने उसकी तमन्नाओं का खून करके उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। बयान किया जाता है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का जहूर
उसी के ज़माना में हुआ। अलगर्ज जब उसके लड़के अरतबलूस को, जो सिपा सलार लश्कर था, उसके मरने की इत्तला हुई तो वह करा को जमा करके अरकानूस और रब्बानियों से लड़ने के लिए चला और उनका बैतुल मुकद्दस में मुहासरा कर लिया। सरदार आने यहूद और बड़े बड़े काहिन बाहिम सुलह कराने की सही करने लगे। अंजामकार इस पर सुलह हुई कि हुकूमत और सल्तनत का अरतबलूस मालिक रहे और हरकानूस बदस्तूर के हुनत पर कायम रहे। इस राय के करार पाते ही फितना व फसाद ख़त्म हो गया और अरतबलूस की हुकूमत मुस्तकिल हो गई। सब हेडिंग अंतफ्तर अबू हिरोदस। कुछ अरसा बाद हरकानूस और अरतबलूस में अंतफ्तर अबू हिरोदस उर्दन रऊसा बनी इसराइल में से था, जो अजीज़ के साथ बाबुल से जमा होकर आए थे। उसमें रोबो दुआब व दलेरी का कुदरती मादा था। उसके पास मालो असबाब और बकसरत मवेशी थे। सिकंदर ने उसे बिलाद अरूम जबाल शिरात का हाकिम कर दिया था। बरसों बिलाद अरूम का हाकिम रहा। वहीं से उसने अपना निकाह किया, जिससे उसके चार लड़के फेलू, फिरोदस, फिरोदा, यूसुफ और एक लड़की सलूमत नामी पैदा हुई। सब हेडिंग अंतफ्तर की माजूली। बाज़े कहते हैं कि अंतफ्तर बनी इसराइल से ना था, बल्कि वो अहले रूम से था और बनी हसमनाई के ख़ानदान में परवरिश पाई थी। जब सिकंदर मर गया और उसकी बीवी सिकंदरा हुकूमत करने लगी, तो अंतफ्तर जबाल शिरात की हुकूमत से माजूल कर दिया गया। अंतफ्तर जबाल शिरात से बैतुल मुकद्दस चला आया और वहीं ठहरा रहा, यहाँ तक कि अनान हुकूमत अरतबलूस के हाथ में आई।